नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेक इंडिया। मैं हूं आपके साथ शेख जोया। लोकसभा चुनाव को आने में अब कुछ ही समय है। ऐसे में नेताओं की भी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू होने जा रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत वहाँ आज झाबुआ में होंगे, जहाँ कई हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही जनजातीय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। पीएम मोदी की इस रैली से बीजेपी न केवल एमपी बल्कि पड़ोसी राज्यों गुजरात और राजस्थान की जनजातीय वर्ग को भी साधने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी करीब दोपहर 12:10 पर झाबुआ पहुंच गए हैं और यहां करीब 2 घंटे वो रहे हैं। परियोजनाओं के लोकप्रण के बाद उन्होंने जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली में एमपी, गुजरात और राजस्थान से जनजातीय समुदाय के करीब 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा है। दरअसल झाबुआ की भौगोलिक स्थिति, मतलब ज्योग्राफिकल हाल ऐसा ही कि यह गुजरात और राजस्थान से लगा हुआ है। झाबुआ तो आदिवासी बहुल है ही, लेकिन यहाँ रैली करके प्रधानमंत्री गुजरात के करीब दर्जन भर और राजस्थान के आधा दर्जन आदिवासी बहुल जिलों को साधेंगे। आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने रैली के लिए झाबुआ को ही क्यों चुना। दरअसल झाबुआ में पीएम मोदी की रैली के पीछे बीजेपी का मकसद 3 राज्यों में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति सीटों पर फोकस करना है। एमपी में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 6 बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम, झाबुआ और शहडोल अनुसूचित जनजाति के आरक्षित है। इसके अलावा राजस्थान में 3 और गुजरात में 4 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। झाबुआ से पीएम मोदी आदिवासी वर्ग को संबोधित करते हुए अपनी सरकार में इस समुदाय के लिए जो योजना शुरू की है उसके बारे में बताएंगे। बीजेपी उनके भाषण का एमपी, राजस्थान और गुजरात की सभी एसटी रिजर्व सीटों पर लाइव स्ट्रीम भी करेगी। अब अगर हम रतलाम झाबुआ संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें से 90% बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस की इस मजबूत गढ़ को भेदने के लिए भाजपा ने पीएम मोदी का झाबुआ में कार्यक्रम रखा है। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत तो हासिल की, लेकिन आदिवासी अंचलों में पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। प्रदेश की 47 एसटी सीटों में से बीजेपी ने 24 सीटें जीती तो कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत दर्ज कराई। यानी आदिवासी बहुत सीटों पर तो बीजेपी को कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिली है। इसलिए बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी वर्ग को साधने के कवायद में जुटी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें इसी तमाम और खबरों के लिए द फेक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।